नमस्कार यहाँ पे ए सी बल्ब का पंचिंग का काम हो रहा है पंचिंग में आपको ये दिखाते हैं जो ये देखिए ये पीछे जो होता है ना इसको पंच करना रहता है ये जो बी ट्वेंटी टू कैप है इसकी पंचिंग और साथ साथ टेस्टिंग दो दो तरह से टेस्टिंग है चूंकि ये ए सी बल्ब है तो इसकी टेस्टिंग दो तरह से हम लोग करेंगे एक उसमें जो है सो कपड़ा में थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ा हुआ है उसमें सटाते वो जल जाता है मतलब डीसी का टेस्टिंग हो गया इसके बाद ये एसी में टेस्टिंग किया एसी में भी टेस्ट हो गया इसके बाद ये पंच कर रहा है और पंचिंग का हैंडल हम लोग देखिए कैसे लगाए हैं हम लोग कुछ नहीं ये जो रैक है ना वर्किंग रैक इसी में हम लोग डायरेक्ट इसको कस दिए हैं जनरली लोग नीचे रखते हैं तो नीचे रखने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है और सीना पे जोड़ भी पड़ता है और इसमें क्या है कि ऊपर से प्रेस करना थोड़ा आसान होता है जो वर्किंग होता है हाथ से ऊपर से नीचे दबाना वो कुछ ज़्यादा ही ईजी होता है तो देखिए इसको ठीक से काम होते हुए कि कैसे हम लोग ए बल्ब का टेस्टिंग और ए का टेस्टिंग हो गया और प्लस ये आप देख रहे होंगे हाउसिंग काला कलर का असल में काला कलर का कोई हाउसिंग होता नहीं है अब होता क्या था वो बता देते हैं जब कंप्लेन आता था तो कंप्लेन में लोग क्या करते थे कि मार्का पेंट से पूरा डेट ये वो सब घसा रहता था अब वो चला आता था और यहाँ से बदले में देना पड़ता था एकदम चमचमाता हुआ बल्ब तो मैंने सोचा कि कुछ तो किया जाए हाउसिंग तो टूटा हुआ नहीं है हाउसिंग में सीधे एशियन पेंट का चार लीटर का, का काला रंग लाया और जितना रिजेक्शन वाला हाउसिंग आता था उसको ब्लैक कर देता था सीधा और उसके बाद आगे से कोई भी आदमी बोलता था कि सर पाँच पीस कंप्लेन है तो वही काला वाला हम ले कंप्लेन है क्या दिक्कत है सर जलता नहीं हम ले लो जलता है तो उससे क्या हो गया मेरा कॉस्ट जो है सो बहुत मिनिमाइज हुआ बर्बादी कम गया क्योंकि ए सी में पहले बहुत कंप्लेन आता था, था पहले के सर्किट में आज के सर्किट में कंप्लेन सब कुछ में कम गया क्योंकि बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो गया जो क्वालिटी काम कर रहे हैं उनके बल्ब में कंप्लेन एकदम कम गया लेकिन जो आज भी वो कचरा चीज बेच के ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है उनके यहाँ तो रिजेक्शन का कंप्लेन जो है वो नब्बे प्रतिशत सौ में नब्बे बल्ब कंप्लेन तो ये चीज है तो दिमाग कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है इसीलिए मेरा हमेशा स्लोगन रहा है कि हम नई राह दिखाते हैं ये वीडियो देखिए है, बहुत अच्छा है अब देखिए वो खराब निकल गया यही है टेस्टिंग बहुत मस्ट है बिना टेस्टिंग का कोई काम करना कभी भी नहीं चाहिए अब एक पीस देखिए इसमें डिफेक्टिव निकल गया हो सकता है डिफेक्ट में जनरली वायर वगैरह छूट गया हो ड्राई सोल्ड हो जो भी रीजन हो या सर्किट का भी फॉल्ट हो सकता है या बैटरी डाउन हो सकता है बहुत सारा फैक्टर हो सकता है तो जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि क्या फॉल्ट है किस वजह से हुआ और देखिए ये सही पूछिए तो आज के डेट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है देखिए एक और ख़राब निकला तो टेस्टिंग में हम लोग बिल्कुल रिजेक्शन पे एकदम ध्यान देना है जब भी भी ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए ये नहीं कि उसको चला देना है चलो आगे देखा जाएगा वो सब नहीं ये सब आपके गुडविल को डैमेज करेगा प्रॉपर टेस्टिंग इसके बाद भी हम लोग इसकी एक बार और टेस्टिंग करेंगे जब हम लोग पैकेजिंग में जाएंगे तो डबल टेस्टिंग करेंगे एक बार तो यहाँ हम लोग टेस्ट कर लिए इसको पंच करने के पहले और फिर जब हम लोग इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे स्टिकर लगाने के पहले हम लोग इसकी रीटेस्टिंग करेंगे देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये आम आदमी का प्रोडक्ट है आम आदमी महंगा कोई बीस हजार और पच्चीस हजार का इन्वर्टर नहीं लगा सकता है तो वो आदमी क्या ये बल्ब लगा सकता है देखिए इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है शायद ये सुशील कुमार रावत जी नमस्कार एलईडी का काम समझ में नहीं आया सर एल का काम समझने के लिए एक बार हमसे माल लेके देखिए तब समझ में आएगा क्वालिटी क्वालिटी को तो समझने पड़ेगा क्या समझे अब आप डी में काम करना चाहते हैं तो गामा डी लीजिए भले वो चालीस बयालीस रुपया पड़ेगा लेकिन सर एच ड्राइवर की तरह उसकी भी रोशनी है अलाइव भी है लोग उसको आजकल ब्रांडेड कंपनी उसको बेच रही है अब क्या चाहिए हाँ ये सेट कर दिया आम आदमी महंगा इन्वर्टर नहीं ले सकता है तो ये ए सी डी सी बल्ब लगा सकता है खास आदमी के लिए हम लोग कोई काम जनरली नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं हम लोग का मेन टारगेटेड कस्टमर जो भी होता है वो कॉमन मैन होता है बस अब इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से 175 में डिस्ट्रीब्यूटर लोग को दे देते हैं अब ये मैक्सिमम मान के चलिए हार्डली कितना भी हाथ से गुजर जाए ढाई सौ रुपया तक ये रिटेल हो जाएगा अब इसमें चार घंटे का बैकअप आ जाता है और देखिए अभी इतना ही देर में मतलब तीन मिनट का ही ये वीडियो बना है तीन मिनट के अंदर में तीन पीस रिजेक्शन आ गए ये डी का रिजेक्शन है और इसका मेन वजह मालूम क्या है इसका मेन वजह है कि लॉकडाउन में इतना दिन से फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ था आज थोड़ा सा माल ए सी बल्ब का जो कि आधा अधूरा तैयार करके ये रखा हुआ था ये आज का नहीं है ये मार्च महीना का रेडी करके रखा हुआ है अब रखे रखे क्या वजह है बैटरी हो सकता है डाउन हो गया हो जो भी रीजन हो इसको आज हम लोग आज लड़का आया है तो इसको ये फाइनल कर रहा है कि चलो ये फाइनल हो जाएगा तो कुछ बिक जाएगा ये देखिए अब आपको तो ये प्रोसेस पूरा समझ में आ ही गया होगा कि क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन है और वहाँ डीसी है और यहाँ पंचिंग है बस तीन काम है और इस तीनों काम में साथ साथ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं पंचिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको एक बात और बताना चाहेंगे बी ट्वेंटी टू कैप जो हम लोग लगाते हैं वो ये निकल का कैप है ये होता थोड़ा कॉस्टली है और ये जिसकी सोल्डिंग देखिए कितनी बढ़िया सोल्डिंग है देखिए किसी भी क्वालिटी से कभी भी कभी समझौता नहीं कीजिए बढ़िया क्वालिटी दीजिए ये एटीन एल है हाफ वाट का इसके अंदर नाइन एल इधर है नाइन एल इधर है कुल मिला के ये नौ वाट का बल्ब है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं अगर आपको हमारा बाकी वीडियो एलईडी बल्ब से संबंधित देखना हो तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एलईडी बल्ब का उस प्लेलिस्ट में जाइए बहुत सारा वीडियो आपको दिखाई देगा इसके अलावा आपको हमारे बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना हो तो सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम वन जरूर देखिए एक बार आप वॉल्यूम वन देखना चालू करेंगे ना आपको धीरे धीरे करके सारे वॉल्यूम को देखने का मन करेगा सावधान सीरीज जो है सो काफी इन्फॉर्मेटिव है इसके अलावा जो हमारा सीलिंग फैन का काम है आपको पूरा इस इंडस्ट्री को सेट करने में बहुत मदद करेगा सीलिंग फैन में हम लोग बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं और उसके कॉन्टैक्ट्स का जो भी रॉ मटेरियल के डीलर हैं मैन्युफैक्चरर हैं मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं कॉन्टैक्ट का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं उन सभी लोगों का मोबाइल नंबर डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ पहले नंबर डायरेक्ट शेयर किया गया था अब वो चीज़ किताब के माध्यम से क्योंकि डायरेक्ट नंबर शेयर करने से प्रॉब्लम ये उठ गया था कि जो लोग यहाँ नंबर देखते थे बस फ़ोन कर देते थे उनको लेना आना देना लेने वाले सैकड़ा में होते हैं दस इंक्वायरी करने वाले होते हैं नब्बे तो परेशानी बढ़ गई थी लोगों की तब मैंने बोला कि नहीं किताब निकाला जाए किताब की एक कीमत होगी जिनको लेना होगा बिजनेस करना होगा वही किताब लेंगे उसके बाद अब क्या हुआ कि सारे जो कंज्यूमर है रियल कस्टमर वो उनको मिलने लगे और उससे उन लोगों की परेशानी खत्म हो गई मतलब कॉल आता है तो जैसे रविंदर जी के पास मशीन का कॉल आया तो सीधा कस्टमर का कॉल है मतलब उसको मशीन लेना ही है भाई नौ सौ छत्तीस रुपया दे के वो पंखा उद्योग लिया है तो नौ सौ छत्तीस कोई फ्री का नहीं आता है उसको या तो क्वाइल के लिए मशीन बैठाना है या तो पंखा का सेटअप लगाना है तभी वो पंखा उद्योग ले रहा है इससे क्या है कि सब लोगों को व्यापार मिलने लगा तब लोग बोलने लगा कि हाँ जो आप काम किए वो अच्छा किए नहीं तो पहले तो मैं खुल्लम खुल्ला नंबर वीडियो में बोलने लगा था बाद में पूरा सीरीज हमको डिलीट करना पड़ा कांटेक्ट करके एक सीरीज था ये वीडियो भी बाकी है बस मेरा एकमात्र उद्देश्य है भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग इस रोजगार को स्थापित करें और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें क्योंकि बेरोजगारी जो भी है वो दूर करने में हम लोग कितना अधिक मदद कर सकते हैं ये हम फटाफट वीडियो कॉलिंग कीजिए इसके बाद हम मैक्सिमम एक वीडियो और प्ले करेंगे उसके बाद लाइव को खत्म करेंगे हम लोग का प्रयास हम लोग को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और एक बार अंत में एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा जो भी खरीदिए जो भी कच्चा माल खरीदिए जो भी मशीन खरीदिए मालूम है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ टैक्स दे के खरीदिए और पूरा टैक्स दीजिए और पूरे टैक्स पे बेचिए क्योंकि जब हम लोग टैक्स देंगे तभी देश में आर्थिक विकास होगा और सबसे बड़ा चीज़ आपको मैं बताता हूँ जब भी टैक्स दीजिए तो हमेशा दिमाग में सीमा का ख्याल रखिएगा बॉर्डर का ख्याल कीजिएगा देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए हमारा आपका योगदान सर्वोपरि होना चाहिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार देखिए एक बात तो है हम लोग जो ये छोटे छोटे व्यवसायी हैं जो छोटे छोटे स्तर पे थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सही पूछिए तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक बड़ा बिजनेसमैन सेट करना बड़ा बिजनेस सेट करना उसमें वो लोग क्या करेगा कि ऑटोमेशन में काम करेगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है मुश्किल से जहाँ पे हजारों लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए वहाँ पे दस लोगों को रोज़गार मिलता है और अधिक से अधिक ऑटोमेशन में काम होता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग ऑटोमेशन का प्लांट लगाते तो हम लोग हर काम के लिए लोगों को बहाल करते हैं इससे क्या होता है लोगों को रोज़गार मिलता है बैंक का बड़ा बड़ा ये लोग लोन लेता है जो बड़ा बड़ा व्यवसायी होता है और कितना केस तो ऐसा आया है कि लोन ले फरार हो गया तो बैंक का मोटा पैसा डूबता है अगर वही पैसा बैंक हम जैसे छोटे छोटे लोगों को जिनकी संख्या हजारों लाखों में है उनको अगर छितरा के दे किसी को पाँच लाख किसी को दस लाख अब एक को सौ करोड़ देने से बढ़िया है कि सौ करोड़ को हजार आदमी में छितरा दिया जाए तो क्या होगा अगर मैक्सिमम दस परसेंट काम किसी का बंद होगा तो नब्बे परसेंट पैसा तो बैंक का मजबूत रहेगा इसी को कहते हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आज के माहौल में क्या हो रहा है आज के माहौल में अधिकतर लोग फैन इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं कूलर के बिजनेस में मैं मना कर रहा था कि भाई देखिए कूलर के काम को बहुत संभल संभल के कीजिए लेकिन बहुत लोगों ने कूलर में पैसा लगा दिया अब हमको बोल रहे हैं कि सर क्या करें कूलर कूलर तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और बोले अब तो कुछ होगा नहीं अब कौन आएगा कूलर लेने के लिए अभी तो ऐसे ही पंखा से ठंडा लग रहा है कोई ठीक नहीं इसके बाद जब मौसम आएगा उमस वाला मौसम आएगा उमस के मौसम में कूलर चला दीजिए ना तो और बेकार हो जाता है उमस के मौसम में कूलर नहीं ए पी फैन काम आता है ये समझना लोगों को जरूरी है फराटा काम आता है तो गलत डिसीज़न हो जाता है तो गलत डिसीज़न होता है तो ठोकर लगता है और जब ठोकर लगता है तो एक्सपीरियंस होता है इसीलिए कहा गया है अनुभव जो है वो ठोकर खा के ही होता है